हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई रेमेडी के साथ जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। ये रेमेडी आज हम आपको हेयर पैक बताएंगे जो आपके बाल झड़ रहे हैं, गंजापन है या डैंड्रफ है बालों में, वो भी ख़त्म करेगा। तो ये पूरा वीडियो देखें, आपको तभी समझ में आएगा ये हेयर पैक हम कैसे बनाएंगे। और हेयर पैक आप हफ्ते में दो बार इसे लगाएं एक महीने तक, तो आपकी जो बालों की झड़ने की या डैंड्रफ की समस्या है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ अलसी के बीज हमें ले लेने हैं, 2 चम्मच अलसी के बीज लेके हमें भिगो देना है और इसे पीस के इसकी हमें जेल बना लेनी है। आप चाहो तो मार्केट में जेल भी मिलती है, इसका पाउडर भी मिलता है, वो भी ले सकते हो। तो इसे मैंने एक रात भिगोया और इस तरह से पीस कर इसका हमने जेल निकाल लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से अलसी बालों के लिए बहुत एक्टिव होता है, बहुत फ़ायदा करता है हमारे बालों में। तो हमें और क्या डालना है इसमें, यहाँ एलोवेरा ले लेंगे हम और इस तरह से साइडों से इसे हमें छीलना है एलोवेरा को। अगर आपके पास पौधा नहीं है एलोवेरा का तो जेल भी ले सकते हो, मार्केट में आसानी से वो भी मिल जाता है। अगर पौधा है तो जेल लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह से इसे इसका पल्प हम निकाल सकते हैं अपने घर में। देखिए चाकू की हेल्प से इस तरह से हमें निकाल लेना है सारा पल्प। एलोवेरा हमारे बालों में अलग सी ही चमक लाता है, बहुत फ़ायदा करता है ये भी हमारे बालों को। तो इसमें अब एक मेन चीज़ जाएगी, हल्दी। आप सोचोगे हल्दी इसमें क्यों डाल रहे हो, बालों में तो हल्दी लगती नहीं है। तो इससे ना डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। आप एक महीना इसे बना के लगाओ, एक अलग सी ही चमक पाओगे अपने बालों में। तो लीजिए, बालों का पैक बन के तैयार है। आप इसे ना बालों की जड़ों में लगाएं और लगा के 10 मिनट छोड़ दें और धीरे धीरे इसकी 2 मिनट मसाज करें। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।